नमस्कार, मैं दीदी फौजर। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा हेल्थ सेगमेंट सेहतनामा। अक्सर लोग मिडनाइट में क्रेविंग करने की वजह से कुकीज, चिप्स या नमकीन का सेवन करते हैं। इसे मिडनाइट क्रेविंग कहते हैं। आज के लाइफस्टाइल में अनहेल्दी खाने का ट्रेंड देखने को ज्यादा मिलता है। खासकर देर रात ऐसा करने से शरीर में काफी नुकसान हो सकता है। पिज्जा, बर्गर, इंस्टेंट फूड, कुकीज और चिप्स आपको मजा तो देंगे, लेकिन बाद में आपको यही आपके स्टमक से जुड़ी प्रॉब्लम का शिकार भी बना सकते हैं। ऐसा हम आपको बताते हैं कि कुछ टिप्स के बारे में जिनकी वजह से आप मिडनाइट क्रेविंग से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आप अपने खाने पीने का समय तय करें। गलत समय पर खाने पीने से आपकी बॉडी क्लॉक बिगड़ जाती है, जो देर रात को भूख लगने की बड़ी वजह बन सकती है। इसलिए जरूरी है कि दिन भर में खाने पीने का समय तय कर लीजिए और रात को डिनर और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप रखिए। इस रूटीन को फॉलो करने से आपको देर रात भूख नहीं लगेगी। इसके साथ ही अपनी डाइट में शामिल करें प्रोटीन रिच फूड आइटम्स, क्योंकि प्रोटीन आइटम्स को डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। इसलिए रात के समय आप प्रोटीन आइटम से बनी हुई चीजों का सेवन करें, जिससे आपका पेट रात के टाइम पर भरा रहेगा और रात को अनहेल्दी खाने से भी आप बच सकते हैं। इसके साथ ही आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम से बनाकर रखें थोड़ी सी दूरी। अक्सर लोग रात को मोबाइल या टीवी देखते वक्त कुछ खाने लगते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इससे बचने की जरूरत है। खाने के वक्त आप सिर्फ खाने की चीजों पर ही फोकस करें, जिससे आप ओवर ईटिंग से बच सकते हैं। इसे माइंडफुल ईटिंग भी कहते हैं, जो माइंड के लिए काफी ज्यादा बेहद जरूरी होता है। इसे बोला जाता है कि इसे ओवर ईटिंग भी कम हो सकती है। इसके साथ ही आपको अपना खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। हमारे बड़े कहते हैं कि खाना खाते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कई लोग हड़बड़ी में खाना खाते हैं, जिसकी वजह से आपकी भूख शांत नहीं हो पाती। ऐसे में ध्यान रखें कि खाना खाते वक्त भोजन को अच्छी तरह चबाएं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।